कहीं ना कहीं यूपी में उनके चुनाव के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लग रहा है कि शायद कुछ उनकी सीट और ज़्यादा आते, उसमें मुकेश सहनी जी के प्रति किसी प्रकार की अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में अगर कोई बात का भी मतभेद होगा भी तो वो बिहार एनडीए में इस पर कोई असर नहीं। देखिए विपक्ष के पास तो पहले कोई काम नहीं है, विपक्ष के नेता तो जैसे ही विधानसभा समाप्त होगा वो गायब हो जाएंगे, ठीक जैसे यहाँ केंद्र में राहुल गांधी जी चुनाव खत्म हुआ अब गायब हो जाएंगे। अब ऐसे तो टकटकी लगाकर बहुत लोग प्रधानमंत्री की भी कुर्सी की ओर देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी टकटकी लगाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर देख रहे हैं, परंतु अभी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बोचहां विधानसभा सीट के ऊपर उपचुनाव होने हैं, क्या एनडीए मुकेश सहनी को वहां से चुनाव लड़ाएगी, उनकी पार्टी को चुनाव लड़ाएगी, या फिर बीजेपी जो बोचहां उनका पुराना पारंपरिक सीट रहा है बीजेपी खुद लड़ेगी, क्योंकि टकराव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है मुकेश सहनी भाजपा के बीच में, लेकिन जदयू बैठ करके देख रही है। मेरे साथ जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू हैं। सर, जिस तरीके से आप लोग एक साथ हैं लेकिन भाजपा और मुकेश सहनी के बीच में टकराहट इतनी बढ़ गई है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में एनडीए एक है, बिहार के बाहर एनडीए के घटक दलों ने अपने अपने पार्टी के विस्तार को करने के लिए अन्य राज्यों में लड़ने का काम किया। जेडीयू भी मणिपुर में लड़ी, जेडीयू वहाँ 6 सीट पर विजय भी हासिल की और वहाँ पर मौजूदा बीजेपी की सरकार को समर्थन भी दे रही है। उसी प्रकार यूपी में हम लोगों का बीजेपी के साथ पहले गठबंधन होना था जो नहीं हो पाया, लास्ट आवर में हम लोग लड़े, हमें वोट जरूर आए परंतु जो हमें वोट परिणाम में बदलना चाहिए था वो नहीं बदला, परंतु हमारा यूपी में भी प्रयास आगे भी और अन्य राज्यों में हमारा प्रयास चलता रहेगा। ठीक उसी प्रकार एनडीए घटक दल के मुकेश सहनी जी यूपी में चुनाव लड़े जी, और कहीं ना कहीं यूपी में उनके चुनाव के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लग रहा है कि शायद कुछ उनकी सीट और ज़्यादा आते जी, तो उसमें कुछ उनके द्वारा शायद परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यूपी का चुनाव लड़ा गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो अपार बहुमत हासिल की है ये तो जनता का विश्वास और माइंडेड है। उसमें मुकेश सहनी जी के प्रति किसी प्रकार की अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में अगर कोई बात का भी मतभेद होगा भी तो वो बिहार एनडीए में इस पर कोई असर नहीं है, ना बिहार एनडीए में इसका कोई बात है। रह गई बोचहां सीट की बात जी, बोचहां सीट एनडीए के अंदर में ये बीजेपी के खाते की है, बीजेपी ने अपने खाते की सीट वीआईपी मुकेश सहनी को दी है। अब ये तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और माननीय मुकेश सहनी जी निर्णय करेंगे कि बोचहां लड़ेंगे कि भाजपा लड़ेगी, इसमें जेडीयू का न वो सीट है न जेडीयू ने अपनी दावेदारी खुद रखी, ये भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी जी का अपना मैटर। देखिए जेडीयू उस पर दावेदारी नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा और मुकेश सहनी के बीच में जो देखने को मिल रहा उससे क्या आप लोगों को कुछ नुकसान होगा अगर मुकेश सहनी छोड़कर जाते हैं तो? जी नहीं, मुकेश सहनी जी नहीं छोड़ के जाएंगे जी, परंतु राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर जाते भी हैं तो उनके विधायक उनके साथ नहीं है ये वो भी समझ रहे हैं, इसलिए कोई सरकार को किसी प्रकार की क्षति नहीं है न सरकार को कोई प्रकार का चिंता की बात है। ये पूरी तरह बीजेपी और मुकेश सहनी जी के आपस में राजामंदी से उस सीट पर जो लड़े। विपक्ष बैठ करके देख रही है, मौका के तलाश में है विपक्ष? देखिए विपक्ष के पास तो पहले कोई काम नहीं है, विपक्ष के नेता तो जैसे ही विधानसभा समाप्त होगा वो गायब हो जाएंगे, ठीक जैसे यहाँ केंद्र में राहुल गांधी जी चुनाव खत्म हुआ अब गायब हो जाएंगे, और वो और उनकी बहन प्रियंका जी दोनों जब चुनाव होगा तो फिर कहीं ना कहीं से जी आ जाएंगे यहाँ। ठीक उसी तरह नेता प्रतिपक्ष बिहार में मुद्दे विहीन मुद्दे को लेकर बोलते रहेंगे और उसके बाद रह रहे बिहार से गायब हो जाएंगे, तो जो आदमी बिहार में रह नहीं रहा है तो देखने का क्या है। अब ऐसे तो टकटकी लगाकर बहुत लोग प्रधानमंत्री की भी कुर्सी की ओर देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी टकटकी लगाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर देख रहे हैं, परंतु अभी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं नहीं है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।